हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप देख रहे हैं गेम्स एच डी, और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम खेलने वाले एक और नया बिकम लेजेंड मोड का एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने भैया मोनैको की टीम में आ चुके थे। मोनैको खाने का बिस्किट नहीं है, मोनैको है ये टीम। और मैं थोड़ा सा इसका नाम गलत प्रोनाउन करता हूँ तो आई नो, लेकिन इस टीम में अब आ चुके हैं। तो यहाँ पे भैया बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं और फिलहाल हम फर्स्ट लाइनअप में भी टीम में खेलते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन नेक्स्ट जो मैच होने वाला वो होने वाला यूरोपा लीग के मैचेस, और यहाँ पे जीतने की ट्राई करेंगे। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, और नीचे वैल्यूएबल कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, आपको वीडियो कैसी लगी है। और इस वीडियो का लाइक एम है 150 लाइक, और 150 लाइक इस वीडियो पर हो जाएंगे तो फटाफट इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जो है ला देंगे। और अगर तक आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है सोशल मीडिया हैंडलिंग पे, तो नीचे कमेंट सेक्शन के पास में भी हम डाल देंगे। अगर कमेंट सेक्शन नहीं मिलता आपको तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पे जाके आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। और सेकंड चैनल को भी जरूर फॉलो कर लें, वहां पे हम न्यू गेम्स के या दूसरे कोई भी स्टोरी लाइन गेम्स होते हैं उनके गेम प्ले करते रहते हैं। तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन डिस्कॉर्ड आल्सो। तो अब चलते सीधा मैच की तरफ। फर्स्ट मैच होने वाला है ये स्टैंडर्ड लीगी, कौन सी टीम है आई डोंट नो नाम क्या है इसका, लेकिन इसके साथ मैच होने वाला है। और ये यूरोपा लीग का मैच है, और ये सारे मैच जो जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मैच जीतेंगे तभी तो भाई साहब ये लीग वो में आगे आ सकेंगे, ये तो भारी हो जाएंगे हम लोग। तो ये वाला स्टेडियम का मूवमेंट मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम ही देखा, पेस अभी तक मैंने दूसरों के वीडियोस में ही देखा था, लेकिन खुद के वाले वीडियोस में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। भाई नीचे से चढ़ के लोग ऊपर आ रहे हैं, मैंने ये सच में ही देखा था। आज के लिए पता नहीं आप लोगों ने मेरे वीडियो में इसके पहले देखा या नहीं देखा, लेकिन दूसरों के वीडियोज में मैंने ज़्यादा देखा था ये। ओके, तो मैच की शुरुआत हो चुकी है। मैंने मोनैको ओके गुड पास सेंटर से इन करते हैं, मुझे लगता है विंग से अगर बॉल मिले ना हमको तो ही फायदा है। ओके ये मेरा बॉल, ओ बढ़िया बॉल है, गुड बॉल, कंट्रोल भी कर लिया हमने। मुझे लगता है क्रॉस देने में ज़्यादा भलाई होगी यहाँ पे, बहुत बढ़िया क्रॉस। ओ भाई यार सीधा हेडर लगाता ना, मुझे लगता तो गोल हो जाता था। ये उल्टी सी सर्कस करने की क्या जरूरत थी भाई। ये देखो यहाँ से हमने निकाल ली थी बॉल, और बहुत ही बढ़िया क्रॉस था भाई, हेड कर लेता है यार। ओके फिर से बॉल है हमारे पास, मतलब आगे पास देने में भलाई, और बहुत बढ़िया पास है यहाँ से। फिर से बॉल की डिमांड की और वॉली पे किक लगाई, लेकिन टारगेट से टारगेट चूज नहीं कर पाए यार हम, ये बोलना चाहता था मैं, बताओ। ये देखो गलत टारगेट, टारगेट पे नहीं टारगेट हमारा, तो क्या ही बताएं। ओके तो यहाँ पे फिर से अटैक करने का चांस बना है एसटीए की तरफ से, और बहुत ही बढ़िया क्रॉस और हेडर करके। ओ भाई ये गोल हो सकता था, लेकिन किस्मत अच्छी रही हमारी, यहाँ पे गोल नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरे हाफ की तरफ चलते हैं, और फिलहाल किसी टीम का कोई गोल स्कोर नहीं हुआ है, और इन वाले मैचेस में गोल स्कोर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भले हमारे खुद के लीग में हम गोल स्कोर ना करें चलेगा आपको, लेकिन यहाँ गोल करना है भाई हमको। ओके बढ़िया बॉल, फिर से बहुत बढ़िया बॉल, और हमने बहुत ही बढ़िया पास किया तो था, लेकिन ओ ये क्या है, अब बॉल मिली है। ओ कम ऑन यार, ये तो बल गोल्डन चांस था जो हमने खराब कर दिया। चलो कोई बात नहीं, फिर से बॉल है, हमने सेंटर बॉल में डिमांड की, और बहुत ही बढ़िया बॉल, और लेफ्ट फुट से शूट, ओ बहुत ही जबरदस्त। ये क्या बात थी भाई, मतलब मेरा शॉट था, मैंने शॉट कनेक्ट किया। मतलब पिछले जो पिछला हमने एपिसोड करा था ना, उसमें भी यही सब चल रहा था, मतलब ट्राई मैं ही कर रहा था लेकिन उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाता था, लेकिन मैं फिर भी हैप्पी हूँ हमारी टीम ने गोल स्कोर किया है। देखो वैसे मेरा शूट कोई इतना अच्छा नहीं था जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा अफसोस मनाए, मतलब मैंने ट्राई करी थी, एक अंधेरे में तीर चलाया था, ये देखो लेफ्ट फुट से ट्राई किया था, लेकिन उसके बाद जो हमारा अगला स्ट्राइकर था भाई, उसने मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और वहाँ से भैया स्कोर कर दिया। ये देखो पास अच्छा था यहाँ पे, मोनैको की टीम बहुत ही बढ़िया अच्छे पास कर रही है, और ये शॉट तो अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ही शानदार। ओके यहाँ से अटैक करते समय उनकी काफ़ी कम टाइम बचा, ये लास्ट ही अटैक हो सकता है, अगर गोल स्कोर करते तो मैच ड्रॉ हो सकता है। और अगर हमने डिफेंस कर दिया ये वाला तो, और डिफेंस कर ही दिया मेरे हिसाब से, नहीं नहीं अभी भी है बॉल, अभी भी है बॉल। ओ कम ऑन, गुड क्रॉस एंड गुड सेव भाई, क्लियर 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 क्लियर, बहुत अच्छे। एक गोल से नहीं है पहला मैच जीता है, भले ही एक गोल से जीता, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री है भाई हमारे लिए। एक गोल भी कैसे आया हम ही जानते हैं, बहुत टाइम। भाई ने टी शर्ट उतार दी थी, क्या बात है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। ओके तो इस ग्रुप स्टेज में हम फिलहाल सबसे ऊपर चल रहे हैं, पोर्टो भी इस पर हमारी लाइन में है भाई साहब, पोर्टो भी हमारे साथ खेलने वाली मैच, लेकिन उसको काफ़ी टाइम है। अब चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ, और नेक्स्ट मैच जो होने वाला है हमारा वो डर्बी वाला, जो इनके डर्बी क्या है पता नहीं, आई डोंट नो, तो वो वाले मैचेस हैं, यानी कि जो बेस्ट अपोनेंट टीम रहती है इनकी, जिसके साथ इनका ज़्यादा पंगा शंगा रहता है ना, वो वाली टीम के साथ मैच है, और वो नाइस टीम है, नाइस ओजीसी नाइस, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो इस टीम के साथ हमारा मैच है, और इसके लेके पूरी हमारी जो मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और हमारे कोच साहब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उन्होंने कहा है कि भाई कुछ भी हो जाए, मर जाओ फट जाओ, लेकिन ये वाला मैच जो बिल्कुल जीत के लाओ वापस।
ओके तो इस मैच की तरफ अब चलते हैं। वापस स्टेडियम से एंट्री करने का टाइम आ चुका है हमारा, वापस से हम नीचे से ऊपर आए, नहीं कि हम अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। जी हाँ, ये हमारे होम ग्राउंड वाला मैदान है भाई, इसलिए तो हियर वी गो मोनाको वर्सेस नाइस मैच की शुरुआत और वेरी नाइस। ओके बढ़िया बॉल मिली हमारे को यहाँ पे और क्या शॉट था, लेकिन गोल स्कोर नहीं कर पाए, वेरी बैड। ओके यहाँ पे नाइस का अटैक बनते हुए, बहुत ही बढ़िया, और गुड शॉट, लेकिन जबरदस्त सेव था हमारे गोलकीपर का। ओ भाई ये क्या हो गया, ओहो बॉल मिल सकता है, मिल सकता है, मिल सकता है, गिव मी द बॉल, गिव मी द बॉल, बहुत ही बढ़िया, लेफ्ट फुट से ट्राई करेंगे और ओ माय गॉड क्या बात है। 13 नंबर की टी शर्ट भले हमने पहनी, लेकिन काम हम वही 7 नंबर वाला कर रहे हैं, क्या बात है। तो तब तक थैया डांस भी कर दिया हमने भैया, जबरदस्त गोल था ये, और इसका सारा क्रेडिट देना चाहूंगा भाई जिस बंदे ने पास करा था, बहुत ही सही जगह पे पास करा था, हमने रनिंग बॉल थ्रू मांगी थी रनिंग। ओ इतनी खुशी भाई साहब, इतनी खुशी, बहुत जबरदस्त, मतलब सारों का मेन आइटम जो है ना इज्जत मांगता है अपने को, इज्जत भाई साहब, योग्यता दिखानी पड़ती है अपनी, तो योग्यता दिखा दी लॉन्डे ने अपनी यहाँ पे, ये देखो बहुत ही बढ़िया। वैसे तो ये बहुत तो सरप्राइज पास था, देखो पास आया हमने लेफ्ट फुट से आगे खींचा और उसी फुट से फिर शॉट कर दिया। और मैंने ये भी नोटिस किया है यार, मैंने अभी तक जितने भी गोल करे ना राइट से कम ही करें, और जो मेरा वीक फुट है लेफ्ट फुट उससे जब भी मैंने ट्राई करा भाई उससे गोल, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम गोल हुआ ही है ना, 80-90% के बीच में रहता है कि लेफ्ट से शूट करूँ तो गोल स्कोर हो ही जाता है, लेकिन राइट फुट में बड़ा ही कमाल है हमारा, क्या ही बताएं उसके बारे में। ओके तो हाफ टाइम के जस्ट पहले ये हुआ था, मुझे लगता है शायद यहाँ हाफ टाइम का टाइम हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं। ओके तो फर्स्ट हाफ से एंड होने के बाद दूसरे हाफ की तरफ हम आ चुके हैं, तो दूसरे हाफ में अब देखना है यहाँ पे क्या एक और गोल ढूंढ पाते हैं, नहीं ढूंढ पाते हैं। बहुत ही बढ़िया पास और फिर से शूट और दूसरा गोल भी ढूंढ लिया हमने, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो दो गोल कर दिया हमने हैट्रिक के आसपास पहुंच चुके और ग्रैंड सल्यूट भी कर दिया हमने भाई साहब। अब दूसरी टीम ना नाइस वाली टीम बिल्कुल नाइस नहीं है, बहुत परेशान हो चुकी है वो टीम, उनको चाहिए फुल इज्जत, लेकिन फुल इज्जत मिल नहीं रही, उनकी फुल इज्जत ली जा रही है और जो ले रहे हैं वो है मनाकर टीम और उनकी ससड़े से होगी, हम हो रहे हैं इस मैच में कि हमने दो गोल दाग दिए भाई साहब। ये देखिए बहुत ही बढ़िया पास और उसके बाद हमने इन मांगा पास पीछे करके और जो ही राइट फुट से शूट किया ना भाई साहब, नेट फाड़ने की ट्राई करी थी हमने, उसको ये नहीं पता कि भाई धीरे मारता तो भी गोल हो ही जाता, लेकिन हमने बिल्कुल चांस लेने का सोचा ही नहीं, इससे पहले कि चांस बने मरे मिटे उससे पहले हम काम कर दे भाई, और ओहो रॉकेट वाला फायर मारा था। और इसी के साथ गोल नंबर 2 हमने इस मैच का ग्रैंड सलूट के साथ बता दिया कि जवान तैयार हैं इस मैच के लिए, बहुत ही बढ़िया। और नाइस का अटैक यहाँ पे बनते हुए, बहुत ही बढ़िया सेंटर में बॉल लाया उन्होंने वापस, उनके मिडफील्डर ने कमाल धमाल कर दिया सेंटर बॉर्ड के पास बॉल और बहुत ही बढ़िया शूट, लेकिन टारगेट से पूरी तरह गए चूक, अगर ये थोड़ा सा रखते कंट्रोल में तो शायद कुछ हो सकता, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कम टाइम बचा है अभी। और बहुत ही बढ़िया बॉल और गुड डिफेंस वहाँ पे मोनाको की टीम के पास से, बहुत ही बढ़िया। तो दो गोल के साथ हमने ये मैच जीता है, तो डार्बी डोमिनेटर वाली ट्रॉफी भी जो है हमने अनलॉक कर दी है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब विक्ट्री और दो गोल के साथ हमने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तीसरा गोल नहीं दाग पाए, अगर तीसरा गोल दाग देते ना भाई तो पहली हैट्रिक हो जाती हमारी इस करियर मोड में, लेकिन ऐसा हो ना पाया, लेकिन कोई बात नहीं। तो ओलंपिक नंबर 3 पे चल रही है मोनाको की टीम और ओलंपिक की टीम सबसे ऊपर चल रही है, पीएसजी हमारे सिर्फ 1 पॉइंट नीचे है, लेकिन अब आने वाले जितने मैचेस हैं हमको ट्राई करना पड़ेगा उन सारे मैचेस को हम जीतें, कोई भी मैच को ख़राब ना करें, अगर ऐसा करेंगे तो ही मजा आएगा। तो मॉन्टी पिल्लर ऐसा कुछ नाम है भाई इस टीम का, तो उसके साथ हमारा मैच होने वाला है, ये हमारे लीग का ही मैच है और लीग वन उबेरीट्स, ये पता नहीं इनका कुछ होगा शायद एडवर्टाइजमेंट वगैरह कुछ सीन, तो दैट आई डोंट नो, लेकिन जो भी है ठीक है, आई डोंट केयर। हमने भी गुम्मत बना ली और डिसाइड कर लिया कि भाई साहब कैसे कैसे कहाँ कहाँ से गोल करने हैं, लेकिन हर बार हमारे प्लान कुछ ना कुछ गड़बड़ जाते हैं और हम कहीं और से गोल कर देते हैं, तो चलो ये प्लान तो हमने डिसाइड कर लिए, तो अब चलते हैं मैच की तरफ। फर्स्ट हाफ की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, अब ये गेम है और हम ट्राई करेंगे मैच को जीतने की। तो पहला अटैक है मोनाको की तरफ से, बहुत ही बढ़िया बॉल आगे ले ली, मुझे लगता है पीछे कर देना चाहिए, बहुत ही बढ़िया पीछे काट दिया और सेंटर में बॉल डालने की ड्राइव, ओ थोड़ी सी खराब, लेकिन भाई शूट थोड़ा अंदर लेता ना तो मज़ा आता था। ओके बढ़िया बॉल, फिर से अटैक की तरफ जाते हुए यहाँ पे और गड़बड़, हमने शूट करने की ट्राई की थी लेकिन बॉल छीन ली गई, तो उस फर्स्ट हाफ में कोई ज़्यादा चांस बने नहीं, ना तो हमारी तरफ से और ना ही मॉन्टी पिलर की तरफ से कोई ऐसे चांस बने कि जिसको हम दिखाए जाएं। तो अब चलते हैं दूसरे हाफ की तरफ, दूसरे हाफ की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, फिलहाल कोई गोल किसी टीम ने नहीं करा हुआ है। ओके बढ़िया पासिस, ओके ये बढ़िया बॉल है, थ्रू बॉल है और मिल भी गई है मुझे, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से गोल तो नहीं कर पाऊंगा, पीछे खींच के पास देने में भलाई है, और बहुत ही बढ़िया पास और
क्या बात है भाई, ज़बरदस्त शूट था, लेकिन एंड टाइम पे मतलब गोलकीपर पता नहीं कहाँ से आ गया भगवान बन के उनके लिए, और बॉल रोक दी भाई से। ओके अभी भी चांस है, लेकिन बॉल ओके फिर से चांस है, बहुत ही बढ़िया बॉल, गुड क्रॉस, क्रॉस तो नहीं, अच्छा पास था, और क्या बात है भाई, गोलकीपर कुछ ज़्यादा तगड़े सेव करते जा रहा है इनका। ओके अब बहुत ही कम समय पर, अब गोल नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये भी सेव कर लिया गोलकीपर ने, बहुत ही मैंगो मैन वाला शूट था ये। ओके अरे भाई ये लास्ट चांस था, और कुछ स्मार्ट पास देने के चक्कर में बॉल ही खराब कर दी। तो ये मैच तो ड्रॉ हो चुका है यहाँ पे, लेकिन ये लीग का मैच था, नंबर 3 की जो हमारी पोजीशन है वो 100% खराब होगी होगी, या तो PSG अप हो चुकी होंगी हमसे, या फिर कोई और 2-3 टीमें अप हो चुकी होगी। ये हमने नहीं करना था क्योंकि 9 पॉइंट थे हमारे ऑलरेडी, तो यहाँ पे देखा जाए तो ओलंपिक्स ऑलरेडी मैच जीत चुकी है अपना, मैंने आपको कहा था, और नंबर 4 पे आ गए हम, और PSG ऊपर जा चुकी है हमसे। तो अब आने वाले जितने मैचेस हैं उनको अगर हम नहीं जीतते, और PSG तो अब वो सारे मैचेस जीतते ही जाएगी, तो उसके से बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके तो अब नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं एक और, आज थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला, अगर आपको पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूले। तो नाइन्टीज के नाम, नाइन्टीज ही भाई, कौन सी टीम है, यही नाम पढ़ा मैंने तो, नाइन्टीज, यस नाइन्टीज के साथ हमारा नेक्स्ट मैच है, और ये भी लीग का मैच है, और हमारे शायद होम ग्राउंड पे हो रहा है, और होम ग्राउंड में भाई साहब बहुत ही सुहानी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिसमें हमारे झंडे लहराते हुए। ओके सो हियर वी गो, फर्स्ट हाफ की शुरुआत यहाँ में होने में काफ़ी कम समय बचा है, तो हियर वी गो फर्स्ट हाफ की शुरुआत हम करेंगे, और इसी के साथ आगाज करेंगे इस मैच को जीतने के लिए। सो हियर वी गो, नाइन्टीज वर्सेस मोनाको, बहुत ही बढ़िया पास। ओके यहाँ से बॉल मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया बॉल, और बिल्कुल चांस, डेड एंड है भाई ये, गोल कीपर के लिए डेड एंड है, गोल कीपर यहाँ से कुछ नहीं कर सकता, इतने अंदर डी बॉक्स में आने के बाद अगर बॉल मिल जाए, और भी ऐसी बॉल मिले कि सामने कोई डिफेंस ना हो, कुछ ना हो, तो भाई गोल ना करना तो सवाल ही नहीं उठता भाई साहब। क्या ही बॉल पास करी थी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, उसका थोड़ा ड्रैग तो किया हमने बॉल को, लेकिन भाई साहब बहुत ज़बरदस्त पास किए, देखो बहुत ही बढ़िया, और उसके बाद यहाँ से पास दे दिया था, ओ भाई साहब 3 डिफेंस थे, लेकिन हमारा जमूरा कमाल कर गया और ये गोल स्कोर कर गया, बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त, हल्का सा पास किया था और मुझे पता था पेज सीधा भाई साहब राइट की तरफ में खींचना, और उसके बाद जो तूफानी शॉट लगाया उसकी क्या ही तारीफ की जाए, बिल्कुल कम तारीफ की हमने आज। ओके दूसरे गोल को ढूंढते हुए और बॉल मिला फिर से, अरे भाई साहब बॉल ख़राब कर दिया यार। तो फर्स्ट हाफ यहाँ एंड होते हुए, और पहले गोल दाग चुकी है मोनाको की टीम, और एक गोल की लीड है फिलहाल हमारे पास, और इस मैचेस को जीतना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो सेकंड हाफ की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है भाई साहब, और 90 के पास बॉल है, और ट्राई कर रहे हैं पास करने की और विंग्स में बॉल डालने की, ताकि वो अंदर बॉल डाल सके, लेकिन ऐसा वो होने नहीं देंगे। ओके गुड पास, ओके तो यहाँ से बॉल छीन ली और फिर से दूसरे, और बहुत ही बढ़िया थ्रू बॉलर यहाँ से रन कर रहे हैं, और ये चिप कर दिया है, और करियर का बेस्ट गोल है भाई हमारे, अभी तक के इस पूरे करियर का बेस्ट गोल है, कोई वर्ड नहीं है मेरे पास, बहुत ही शानदार, बहुत ही दिमाग वाला गोल करा हुआ है ये, देखो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, मैंने सोचा इसको ट्राई की जाए, और बहुत ही बढ़िया ट्राई है, देखो बॉल गोल कीपर काफ़ी आगे आ चुका था, और उसका जो ही चिप किया बिल्कुल नपी तुली सीधी गोल में गई है। तो आपको क्या लगता है ये मेरे करियर का अब तक का बेस्ट गोल है क्या, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पिछले करियर मोड की बात नहीं कर रहा, मैं इस करियर मोड की बात कर रहा हूँ, मुझे जो अभी तक का बेस्ट गोल लगा ये देखो भाई, बहुत ही शानदार, और देखो फिर लेफ्ट फुट से भाई साहब, फिर लेफ्ट फुट से गोल स्कोर किया हमने, मुझे समझ था कि वीक फुट हमारा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फुट हमारा वीक है, ऐसा फिलहाल चल रहा है। तो क्या ये करियर बेस्ट का गोल है हमारा, तो नीचे कमेंट सेक्शन जरूर लिखना, यस हैशटैग करियर बेस्ट। ओके भाई 90 स्ट्राइक करते हुए काफ़ी कम टाइम है फिलहाल, नहीं काफ़ी कम तो ही फिलहाल टाइम है, और बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल स्कोर नहीं कर पाए यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया ट्राई थी सिल्वा की, लेकिन गोल में ना जा सकी भाई साहब, बहुत बढ़िया मूव, और उसके बाद पास भी ज़बरदस्त, और बढ़िया टाइम से टैकल करा था उन्होंने गोल स्कोर करने के लिए, लेकिन सिल्वा की ये शॉट जो है वो गोल ना दिला पाई। तो अब यहाँ पे मात्र 3 मिनट बचे हैं मैच खत्म होने के लिए, और पूरा कंट्रोल मोनाको की टीम के पास है, और फिर से बॉल लूज किए यहाँ पे 90s के डिफेंस ने, जो कि काफ़ी गड़बड़ी कर चुके हैं इस मैच में। तो 2 गोल से ये मैच जीता है हमने, और आई थिंक इसने हमने अपने करियर का बेस्ट गोल अभी तक करा है, और 2 बार ऐसा चांस हुआ है कि जब हम हैट्रिक के इतने क्लोज पहुंचे लेकिन हैट्रिक स्कोर नहीं कर पाया, दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग मी। ओके तो यहाँ पे 2-2 गोल का स्कोर मोनिटिस ने, मोनिटी वेलर के साथ ओलंपिक्स ने किया था, तो उनका ड्रॉ हो गया, तो हम आ चुके हैं नंबर 4 की पोजिशन पर, लेकिन
ओलंपिक गिरा है, मेट्स गिरा है, लेकिन पीएसजी अब हो चुका है भाई। पीएसजी जो हमसे भी नीचे था वो नंबर वन की रैंकिंग में आ गया, क्योंकि हमने एक मैच ड्रॉ खेला, उसके बाद ओलंपिक्स ने भी मैच ड्रॉ खेल दिया, तो उसके से गड़बड़ हो गई है। तो अब यूरोपा लीग की तरफ आते हैं और पोर्टो के साथ हमारा ये मैच है। पोर्टो काफ़ी ज़बरदस्त और तंदुरुस्त टीम है भाई साहब, और काफ़ी नामी गिरामी टीम है, तो इस टीम को हराना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टीम को हम हराते हैं तो ही हम क्वालिफाई कर पाएंगे आगे के राउंड्स में। ओके, तो प्लेयर तो आपको दिख ही रहे होंगे पोर्टो की टीम में भाई साहब, कौन कौन से प्लेयर हैं, बहुत ज़बरदस्त तूफानी प्लेयर है भाई इनके पास। सामने वाले प्लेयर का नाम तुमको पता है? अगर नहीं पता है भाई साहब, ऐसा तो हो नहीं सकता, सबको पता होगा। पता होगा तो फटाफट नीचे नाम में लिख देना भाई साहब क्या नाम है इसका, बहुत जाने पहचाने प्लेयर हैं। ओके, तो मैच में लाइनअप वाइनअप सब हो चुका है, अब सीधा चलते हैं मैच की तरफ। फर्स्ट हाफ की शुरुआत हो चुकी है, पोर्टो के होम ग्राउंड पे मैच है और ट्राई करेंगे इस मैच को जीतने की, लेकिन पोर्टो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। ओके, बढ़िया मूव, ये देखो मैंने आपको पहले कहा था। ओ भाई भाई, मैरिज के पास बॉल है और यहाँ से ट्राई बनता था लेकिन बच गए, ट्राई हो नहीं पाई। ओके, फिर से बॉल नको ने, डिफेंस पूरा चकनाचूर और बहुत ही बढ़िया पास और पहला गोल। जैसा कि मैंने आपको कहा था, पोर्टो बहुत ज़बरदस्त टीम है और फर्स्ट गोल जी लुइस ने लगा दिया भाई साहब, अब क्या ही बोले हम, बहुत ही बढ़िया पास था। डिफेंस ने वापस गलती करी है यहाँ पे, देखो तीन डिफेंस और फिर भी ये बंदा निकल गया यहाँ से, और बहुत ही बढ़िया पास, और उसने लेफ्ट फुट पे अपनी तरफ बॉल लेके गया और साइड कॉर्नर की तरफ में गोल दाग दिया। ओके, तो फर्स्ट हाफ का एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे होने ही वाला है। जी हाँ, फर्स्ट हाफ एंड हो चुका है और पोर्टो ने एक गोल की लीड ले ली है, जो मोनाको के लिए काफ़ी टेंशन वाली बात है। अब सेकंड हाफ में किसी ना किसी तरह से ये लीड भी हमको हटानी पड़ेगी और हमारी लीड जो भाई साहब जड़नी पड़ेगी, तो ही होगा कुछ। और सेकंड हाफ की शुरुआत यहाँ हो चुकी है और बॉल मांगने की ट्राई कर रहे हैं हम, सामने दे दी जाए बॉल तो, लेकिन दी नहीं है। फिर से हमने बॉल मांगी सेंटर की तरफ, बहुत ही बढ़िया बॉल आगे निकल चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है पीछे पास देने में भलाई है। ओके, ये ले भाई, यस, एटलीस्ट हमने भाई स्कोर लेवल कर दिए हैं। अब देखते हैं पोर्टो कहाँ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया असिस्ट, मैंने कोई लालची बना नहीं दिखाया भाई साहब, यहाँ पे ट्राई करा मैंने कि जितना अच्छा पास कर सकूं और जिससे कि पोर्टो को फ़ायदा ना हो और हमारी टीम को फ़ायदा, और वैसा ही हुआ। ज़बरदस्त भाई साहब, ज़बरदस्त एंड कर दिया इस बंदे ने। अगर ये पास का एंड ऐसा ना होता, यानी कि फिनिश ऐसा ना होता, तो फिर तो कुछ बात और ही बन जाती, लेकिन बहुत ही बढ़िया, काफ़ी खुश मोनाको की टीम। ये देखिए बॉल यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिली थी और हमने आगे लेके भी गए थे, गोल को थ्रू भी कर गए थे, लेकिन मुझे लगता था फिर पीछे आने में ही भलाई थी, इसलिए हमने पीछे करा और फिर अंदर धीरे से पास किया और भाई ने भाई फिनिश कतई जहर करा है। मतलब अगर ये वाला फिनिश नहीं करा होता ना, तो शायद मैच की कहानी फ़िलहाल कुछ और होती थी। और अब हमको एक गोल की और तलाश करनी है इसके बाद, अगर एक गोल हम और लगा देते हैं तो ये मैच जीत जाएंगे हम, और जीतना ही तो हमारा मेन मकसद है अब यहाँ पे आने के बाद हम ये। और इसके साथ में मोनाको में ना पूरा सीज़न खेलने वाला हूँ, मतलब बीच से मैं कहीं ट्रांसफ़र नहीं लूँगा, मोनाको के साथ पूरा खेलूँगा कंटिन्यू टिल एंड, जब तक ये सीज़न एंड ना हो जाए। ओके, बढ़िया पासेस और मोनाको की टीम। ओ भाई साहब, चांस है यहाँ पे, क्या गोल स्कोर कर पाए? जी हाँ, गोल नंबर टू, बढ़िया, मोनाको ने लगा दिया स्कोर। और हमने बताओ पहले हाफ में क्या कहानी चल रही थी और सेकंड हाफ में देखो क्या हो चुका है। मतलब पोर्टो की टीम ने लीड ले ली थी पहले, लेकिन उनके डिफेंस ने बाद में गड़बड़ कर दी और जिसकी वजह से मोनाको ने पूरा फायदा उठाया। उन्होंने सोचा नहीं था कि इस टाइम पे ये हो जाएगा, लेकिन डिफेंस की काफ़ी बड़ी गलती मुझे लगता है यहाँ पे रह गई। ये देखो बॉल उन्होंने क्लियर करने की ट्राई की थी, लेकिन बॉल यहाँ पे गवा दी और बहुत ही बढ़िया पास मिला हमको, और हमने भी थोड़ा डी बॉक्स के अंदर जाके शॉट किया ताकि कंफर्म किया कि ये गोल बिल्कुल 100% हो जाए, गोल ना होने कोई रीज़न बचे ना। ये देखिए, ये डिफेंस की गलती थी यहाँ पे, और भाई साहब जो हमारे साथ वाला प्लेयर था उसने भी बिल्कुल चूक नहीं करी, सीधा बॉल दे दिया और हमने भी पहला ही शॉट में लगा दिया गोल के अंदर। और गोल अब तो हम जितनी बार डी बॉक्स के अंदर है, हम तो इसे ट्राई कर रहे हैं कि भाई नेट ही भाड़ दें, मतलब इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो लेकिन अभी भी टाइम बचा हुआ है, काफ़ी टाइम है, फिलहाल एक गोल की लीड है हमारे पास, और ये काफ़ी ख़राब ट्राई। पोर्टो के पास भी काफ़ी टाइम है, अगर पोर्टो एक गोल जड़ देती है ना भाई साहब, तो ये मैच हो जाएगा इक्वल, और इक्वल होने के बाद फिर हो जाएगी गड़बड़। और देखो फिर से ये काफ़ी कम टाइम है और लास्ट अटैक लग रहा है मुझे यहाँ पे पोर्टो का, और बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन दिशाहीन शॉट था और इनको समझ में आ चुका है इसीलिए बैठने का कारण उनका कि ये शॉट कितनी वैल्यू रखता था इस मैच के लिए। अगर ये शॉट ना लेते हो, थोड़ी बॉल और बना लेते तो शायद कुछ चांस हो सकता, लेकिन ये शॉट की वजह से सब खराब हो चुका है और वो उनके चेहरों पर भी दिख रहा है भाई साहब। ओके, तो अब सब्स्टिट्यूशन भी हो चुके हैं इनके, लेकिन अब टाइम काफ़ी कम है, मुझे नहीं लगता कुछ टाइम बचना है। जी हाँ, मैच हो चुका है यहाँ पे एंड, और ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। पोर्टो ने पहले लीड ले ली थी, लेकिन उसके बाद बाल्डे ने स्कोर करा और हमने एक स्कोर करा, जिसकी वजह से मोनाको ने ये मैच जीत लिया और
फिलहाल इस ग्रुप ए की इसमें सबसे टॉप पी जो टीम रही वो मैंने आपको, ये फिलहाल 6 पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे, बहुत ही बढ़िया। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, आई होप आपको एपिसोड पसंद, अगर पसंद आया तो फटाफट लाइक कर देना और लाइक एम जरूर पूरा कर दिया करो, अगर आप लाइक एम पूरा कर देते हो तो हम काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और ये पूरा एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। और भाई साहब क्या ही बताऊँ, अगर बिकम लेजेंड मोड के और ऐसे एपिसोड चाहते हो तो भाई साहब कमेंट लाइक तो बनता ही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन सी यू, बाय बाय, पीस।